वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कमला मार्कंडेय के द फ्लैट का समरी। तो जैसा कि आपके शॉर्ट स्टोरीज के ग्रुप में सिलेबस में दिया हुआ है, ये जो है द फ्लैट, ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है। कमला मार्कंडेय का एक नॉवल है नेक्टर इन अ सीव, ठीक है। उसी नॉवल का ये एक यूनिट है, एक चैप्टर है। नॉवल को कई सारे यूनिट्स और चैप्टर्स में बांटा जाता है, तो एक चैप्टर है द फ्लैट, ठीक है। यही आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्टर इन अ सीव इस नॉवेल का सब टाइटल है, अ नॉवेल ऑफ रूरल इंडिया। और ये कमला मार्कंडेय का पहला नॉवेल था जिसको कि पब्लिश किया गया 1954 में। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि भाई सब टाइटल क्या है नॉवेल का, अ नॉवेल ऑफ रूरल इंडिया, कब पब्लिश हुआ था, द फ्लड का जो नॉवेल है नेक्टर इन अ सीव वो कब पब्लिश हुआ था 1954 में। बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। आप जब किसी एक पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं या पोयम को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बस ये 2-3 पेजेस इसी में हो जाएगा, लेकिन जब आप सारे नॉवेल्स, सारे पोयम्स, सारे शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, सारे कुछ को प्रिपेयर कर रहे हैं और उन सबका आपको 3 पेजेस याद करना है, अगर वो आप कर पाते हैं, ठीक है, वो सारा जानकारी आपके दिमाग में एज इट इज रहता है, देन यू विल स्कोर वेरी वेल, ओके, यू बी श्योर अबाउट इट। अब आगे बढ़ते हैं। ये नॉवल को पब्लिश किया गया 1954 में, और ये जो नेक्टर इन अ सीव है ना नॉवल का टाइटल, ये कोलेरिज का एक पोयम था वर्क विदाउट होप, उसी पोयम से ये टाइटल दिया गया है। वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन अ सीव एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको आशा रहता है, उससे कुछ ना कुछ आपको फल मिलने की उम्मीद रहती है। वैसे तो कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, लेकिन कोई भी इंसान नॉर्मली, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचे हुए रहते हैं तो नॉर्मली आप होप करते हैं। तो वर्क विदाउट होप, अगर आप काम करें और होप आपको किसी चीज का ना हो, ड्रॉज नेक्टर इन अ सीव। कोलेरिज जो है वो एक वेस्टर्न थिंकर है, इंग्लैंड के पोएट है, ठीक है। वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर ऐसा इंसान काम करता है जिसमें कि उसको होप ना रहे तो वो नेक्टर इन अ सीव है। सीव बोलते हैं छलनी को, तो नेक्टर जो है, जो मधुर रस है, वो डाल रहे हैं आप, बट वो जो है वो उससे सीव में डाल रहे हैं, छलनी में डाल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बह जा रहा है, कुछ भी आप रिटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये टाइटल का मतलब है नेक्टर इन अ सीव। तो बेसिकली इस नॉवल में रूरल इंडिया के पिक्चर को दिखाया गया है। रूरल इंडिया में 1954 का समय है, आजादी मिल चुकी थी इंडिया को, बट पॉवर्टी अभी भी बहुत था। तो लोगों के लाइफ में पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करते थे, जिस वजह से उनके लाइफ में नेक्टर जो है, जो खुशियां हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती थी, ठीक है। ये बेसिकली इस टाइटल का मतलब है, ये कोलरिज के पोएम से लिया गया है। अब आते हैं हम लोग बेसिकली द फ्लड में, क्योंकि द फ्लड आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो द फ्लड में रुक्मणी और नाथन, ये जो है रुक्मणी मेन कैरेक्टर, इस पूरे नॉवल की जो मेन कैरेक्टर है वो है रुक्मणी। रुक्मणी हीरोइन नैरेटर है और ये विलेज हेडमैन की चौथी बेटी है। मैं आपको एक शॉर्ट आउटलाइन बता देती हूँ स्टोरी का, उसके बाद हम लोग द फ्लड पे ही फोकस करेंगे। तो रुक्मणी जो है वो विलेज हेडमैन की चौथी बेटी रहती है। विलेज हेडमैन रिच रहता है, अपनी 3 बेटियों की शादी अच्छे से करता है, बट फोर्थ डॉटर के मैरिज का समय आते आते उसके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है किसी कारण से, और वो उतने अच्छे से उसकी शादी नहीं कर पाता है। इसकी शादी वो करता है नाथन नाम के आदमी से, नाथन जो कि एक टेनेंट फार्मर रहता है, यानी जिस जमीन पे वो खेती करता है वो उसकी नहीं रहती, वो किसी जमींदार या लैंडलॉर्ड की रहती, और उसके साथ वो उसकी शादी कर देता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम है, इन दोनों की सबसे बड़ी बेटी होती, मतलब एक बेटी होती है इनको शादी के बाद, और उसकी बेटी का नाम ये लोग रखते हैं ईरावती या ईरा, ठीक है। और उसके बाद, इस लड़की के बाद, इनको कई साल तक, 5-6 साल तक कोई बच्चे नहीं होते। तब जब ये रुक्मणी मायके जाती है अपनी, और वहां पे डॉक्टर केनी नाम के एक डॉक्टर रहते हैं, वेस्टर्न, ये भी एक इंग्लिश डॉक्टर है, ठीक है, वो वहां पे रहते हैं, तो वो उनसे अपना इलाज करवाती है, और उसके बाद इसको 6 बेटे होते हैं लगातार, ठीक है, जिनका नाम है अर्जुन, थम्बी, मुरुगन, राजा, सेल्वम और कुटी। लेकिन कुटी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही स्टारवेशन की वजह से मर जाता है। स्टारवेशन यानी भूख लगते रहना बट खाना ना मिलना, ठीक है। तो कुटी डाइज ऑफ स्टारवेशन इन अर्ली चाइल्ड।
बस इतना आपको बेसिक पता रहना चाहिए कि भाई नॉवल में ये सारे कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर है रुक्मणी और नाथन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर द फ्लड में क्या होता है। इन रूरल इंडिया द मंथ ऑफ जून इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज एन ऑस्पिशियस टाइम फॉर वेडिंग। जितने भी एमसीक्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने बोल्ड कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई रूरल इंडिया में किस महीने को सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस समझा जाता है, तो जून को समझा जाता है। तो अब पहले हम लोग इसके समरी पे आएंगे, फिर हम लोग 5 मिनट के अंदर एमसीक्यूज को रिवाइज कर लेंगे। तो रूरल इंडिया में जून के महीने को शुभ माना जाता है शादी ब्याह के पर्पज से, और रुक्मणी और नाथन की बेटी थी ईरावती, जिसकी शादी ये लोग इसी महीने में करते हैं। उस समय में तो दहेज का जमाना था, तो इनको रुक्मणी और नाथन को कई सारी चीजें मतलब जुगाड़ करनी पड़ती हैं डाउरी के लिए। और उस वजह से क्या होता है कि ये लोग मानसून से पहले जो तैयारियां करते थे वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी बेटी की शादी में व्यस्त रहते हैं। प्लस दूसरा चीज ये है कि इस साल जिस साल ईरावती की शादी करते हैं उसके बाद जो मानसून आता है वो प्री मानसून रहता है, यानी 15-20 दिन पहले ही मानसून दस्तक दे देता है, तो जिस वजह से और भी ये लोग को प्रिपेरेशन का टाइम नहीं मिलता है। तो द ईयर फॉलोइंग दिस ईयर फॉलोइंग ईराज मैरिज क्या होता है, अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून आ जाता है, सब कोई सरप्राइज रह जाते हैं। विलेजर्स जो है वो खुद को एक डेंजरस सिचुएशन में पाते हैं, और उनको ऐसा समझ में आता है कि जो नेचर है वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह है, और वो अलाय या फ्रेंड तभी बन सकता है जब हम लोग केयरफुल रहें, जब हम लोग हर समय चौकन्ना रहें, लेकिन वो मर्सिलेस और क्रूएल हो सकता है अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान ना दें। ठीक है, और रुक्मणी जो सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका एक डायलॉग है, नेचर इज लाइक अ वाइल्ड एनिमल, सो लॉन्ग एज यू आर विजिलेंट एंड वॉक वेरीली, सो लॉन्ग एज यू आर केयरफुल एंड वॉक केयरफुली विद थॉट एंड केयर, सो लॉन्ग विल इट गिव यू इट्स एड, तब तक वो आपको अपना एड देगा, हेल्प देगा। बट लुक अवे फॉर एन इंस्टेंट, पर एक क्षण के लिए आप कहीं और देखिए, बी हीडलेस और फॉरगेटफुल, अगर आप केयरलेस हो जाते हैं, भूल जाते हैं, इट हैज यू बाय द थ्रॉट। ये बोल रही है रुक्मणी कि भाई हम लोग को प्रिपेरेशन का टाइम नहीं मिला, जिस वजह से प्री मानसून की वजह से अब उनको क्या क्या फेस करना पड़ेगा ये आप लोग देखिए। द रेनफॉल वॉज रिलेंटलेस एंड काली हट वॉज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड। रिलेंटलेस यानी लगातार बारिश हो रही थी। The fields which were the lifeblood of the village were submerged. सारी जो खेती का जमीन होता है वो submerged हो जाता है, पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, flood आ जाता है कि ये जो सारा खेती का जमीन है ये बहुत नीचे दबके रह जाता है, सारे paddy crops सारे बर्बाद हो जाते हैं। Even the palm trees, जो strong palm trees हैं वो भी bare, यानी कि उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है और लगातार होती है, ऐसा नहीं कि एक दिन हुई तो दूसरे दिन कम हुई, लगातार 8 दिनों तक आप देखेंगे कि लगातार बारिश होती है, और 8वें दिन जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। नेचर रिवील्ड इट्स वायलेंट साइड इन ऑल इट्स फ्यूरी। ठीक है, नेचर अपना वायलेंट साइड दिखा रहा था। फॉर्चुनेटली द टैनरी कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स रिमेन्ड अनस्केथ्ड। तो वहां पे 1954 का समय है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कुछ चीजें आ रही थी सामने। तो टैनरी जो है, टैनरी एक ऐसा फैक्ट्री होता है जिसमें कि फ्लैश जो होता है, मतलब जो स्किन होता है एनिमल्स का, उसको प्रोसेस किया जाता है और लेदर के आइटम्स को बनाया जाता है, जैसे लेदर के शूज हो गए, लेदर के बैग्स हो गए। तो जिस फैक्ट्री में एनिमल के स्किन्स को प्रोसेस करके लेदर बनाया जाता है उसको टैनरी बोलते हैं। तो वो क्योंकि ब्रिक्स और स्टोन्स का बना हुआ था तो उसको फ्लड की वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन गांव वालों के जो खेत थे, गांव वालों के जो झोपड़ी थे जो मिट्टी वगैरह से बने हुए थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेबरर्स जो हट्स में रहते हैं वो अब होमलेस हो जाते हैं, और वो लोग अब सोच रहे थे कि हम कौन से सेफ एरिया में जाके रहें। जो रुक्मणी और नाथन के बच्चे रहते हैं उनको कुछ समय के लिए तो सोलेस मिलता है, पीस मिलता है अनयूजुअल लेक्स और रिव्यूलेट्स में, जो कि इंसिजेंट यानी लगातार बारिश ने बनाए थे। क्योंकि जब लगातार बारिश होती है तो आप देखते हैं कि कई छोटे छोटे लेक्स क्रिएट हो जाते हैं, छोटी नदियां आपको दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुश हो जाते हैं और वो उसको एंजॉय करते हैं। तो जब कुछ दिन बारिश होती है तो ये बच्चे भी एंजॉय करते हैं, बट जैसे जैसे ग्रिम रियालिटी सेट इन, जैसे डार्क रियालिटी, यानी कि उनको पता चलता है
कि भाई अब इस बारिश की वजह से तो हमारे खेत भी उजड़ गए, हमारे घर जो झोपड़ी है वो भी उजड़ने का खतरा बना हुआ है। तो ये ग्रिम रियलिटी जब उनको पता चलती है तो देयर स्पिरिट्स वेंड, ठीक है, वो उनको बहुत उदासीनता महसूस होती है। दे टीटियर्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन अनस्टेडिली, वो लोग मूव कर रहे थे ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन, ठीक है, अब खाना नहीं मिल रहा था, सारे क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और यंग अर्जुन जो है वो रुक रुक कर जो है वो रोने लग जा रहा था। इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू फाइंड असिस्टेंस रुक्मणी विजिटेड द विलेज मनी लेंडर, और मनी लेंडर का नाम क्या है, विश्वास। मनी लेंडर से मिलने जाती है रुक्मणी, बट वो केवल थोड़े थोड़े से पैसे ही उनको दे पाता है। साथ में उनके पास कोई चावल भी नहीं बचा हुआ है, और उनको इस लगातार बारिश से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई रेस्पाइट नहीं मिल रहा है। तो उनका जो सिचुएशन है, उनकी जो परेशानियां हैं वो और वर्स हो जाती है, बद से बदतर हो जाती हैं, और रेलेंटलेस रेन, लगातार बारिश जो है वो 8 consecutive nights तक चलता है, लगातार 8 दिनों तक बारिश आती है, विद ईच पासिंग नाइट फर्दर डैमेजिंग व्हाट लिटिल हैड सर्वाइव, हर पासिंग नाइट जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको भी डिस्ट्रॉय करते हुए चला जाता है। सिचुएशन जो विलेज में था वो बहुत ही डेंजरस था, अपरूटेड ट्रीज जो हैं वो स्ट्रीट्स और हाउसेस के पास ऐसे, मतलब सारे जो पेड़ और घर उजड़ गए थे वो सारे बह के फ्लड के साथ जाके एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जा रहे थे, ठीक है, और विलेज बिकेम एन इनहॉस्पिटेबल वेस्टलैंड, पूरा गांव एक वेस्टलैंड में तब्दील हो गया, वाटर जो है फ्लडेड, वाटर फ्लडिंग द स्ट्रीट्स एंड डेंजरस सीन्स ऑफ डेड एनिमल्स, टेरेबल सीन्स ऑफ डेड एनिमल्स स्कैटर्ड अलोंग द रोड साइड, रोड साइड के पास में बहुत सारे डेंजरस, मतलब एक डेंजरस सा नजारा हो जाता है, एक भयावह नजारा हो जाता है कि सारे डेड एनिमल्स जो हैं, क्योंकि बारिश इतने फ्लड की वजह से एनिमल्स की भी जान चली जाती है, पेड़ भी सारे उखड़ जाते हैं, झोपड़ी भी सब उखड़ गया है, और सब जो है वो फ्लड में बहते बहते एक जगह पे एक्यूमुलेट कर जा रहा है। तो वो जो नजारा है वेस्टलैंड जैसा, वो बहुत ही डरावना लगता है देखने में। देयर वॉज, ये जो बोल्ड में लाइन लिखा हुआ है ये एक्चुअली नॉवल का लाइन है, ठीक है, देयर वॉज वॉटर एवरीवेयर, गटर्स वर ओवरफ्लोइंग इन टू द स्ट्रीट्स, डेड डॉग्स कैट्स एंड रैट्स क्लटर्ड द रोड साइड, एक्यूमुलेटेड और फ्लोटेड स्टेटली ऑन द वॉटर्स विद ब्लोन डिस्टेंडेड बेलीज। तो ये लोग जो है, इनको कहा जा रहा है कि भाई कैट्स और रैट्स और डेड डॉग्स का जो बॉडीज है वो भी जाके जमा हो गया है रोड साइड के पास में, डिस्टेंडेड बेलीज, यानी कि अब फ्लड की वजह से जो, अगर लगातार आपकी बॉडी में उस तरह से एक्स्ट्रा, आपने ऑस्मोसिस का फिनोमेना तो पढ़ा ही है, ठीक है, तो किस तरह से अगर बर्स्ट आउट हो सकता है कोई भी चीज एक बहुत ज्यादा वाटर मिलने की वजह से, तो यहाँ पे डिस्टेंडेड बेलीज है, बेली यानी स्टमक, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डिटेल में आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाने वाला है। तो फेसिंग एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, नाथन एंड रुक्मणी डेस्परेटली सॉट एड, तो अब ये लोग जो अक्यूट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उससे बचने के लिए, उससे राहत पाने के लिए ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखे कि मनी लेंडर विश्वास के पास ये लोग मदद लेने के लिए जाते हैं, बट वो एक छोटा ही सम ऑफर कर पाता है। फिर ये लोग शॉपकीपर्स के पास जा रहे हैं, ठीक है, पहले ये लोग हनुमान शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो इनको इन्फॉर्म करता है कि उसके पास तो केवल अपनी ही फैमिली को सस्टेन करने के लिए थोड़ा बहुत चावल बचा हुआ है, तो वो लोग उसको चावल नहीं दे पाता है, विश्वास नहीं, कौन, हनुमान, हनुमान चावल नहीं दे पाता है। डिसअपॉइंटेड दे टर्न टू विश्वास, और उसके बाद वो विश्वास के पास जाते हैं, विश्वास एक शॉपकीपर भी है और एक मनी लेंडर भी है, ठीक है, तो उसके बाद वो लोग विश्वास के पास जाते हैं और विश्वास से थोड़ा बहुत चावल लेकर आते हैं। देयर एनकाउंटर विद डॉक्टर केनी, अ डॉक्टर, और विश्वास के पास से जब ये लोग चावल लेके आते हैं, याद रखिएगा, विश्वास के पास से जब ये लोग चावल लेने जाते हैं तो वो बहुत हाई प्राइस बतलाता है, तो ये लोग कहते हैं कि भाई इतना हाई प्राइस, तो फिर विश्वास बोलता है कि आप ये मत सोचिए कि मैं हाई प्राइस लगा रहा हूँ, क्योंकि टैनरी के जो वर्कर्स हैं ना वो इससे भी कई ज्यादा प्राइसेस देने के लिए, मतलब हाँ, मतलब वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे भी ज्यादा प्राइस देने में, क्योंकि टैनरी जो है वहाँ के वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिल रही थी, तो उसी वजह से कि जब जब आपके पास, आपके सोसाइटी में एफ्लुएंस बढ़ता है, रिचनेस बढ़ता है, तो कमोडिटीज का प्राइसेस भी बढ़ जाता है, तो टैनरी के वर्कर्स की सैलरी की वजह से कमोडिटी का प्राइसेस बढ़ रहा था, और जिस वजह से ये पुअर विलेज मैन को प्रॉब्लम हो रहा था। तो विश्वास ऐसा कहता है, बट विश्वास के पास से फिर वो लोग थोड़े से राइस लेकर आते हैं। देयर एनकाउंटर विद डॉक्टर केनी, अ डॉक्टर हु सीम टू ग्रास्प द ग्रेविटी ऑफ देयर प्लाइट,
तो डॉक्टर केनी जो एक डॉक्टर हैं वो उनको रास्ते में मिल जाते हैं। जब ये लोग विश्वास के पास से थोड़े से चावल लेकर जा रहे होते हैं तो डॉक्टर केनी मिल जाते हैं और वो उनको 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 देखकर ही समझ जाते हैं कि भाई इनके इनके लाइफ में क्या हालत चल रही है, इस फ्लैट की वजह से इन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, तो डॉक्टर केनी देखते ही समझ जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि भाई तुम लोग लड़ते क्यों नहीं हो, अगर कोई शॉपकीपर ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है तो लड़ते क्यों नहीं हो, अगर लैंडलॉर्ड जमींदार ज्यादा रेंट वसूल रहा है तो लड़ते क्यों नहीं हो, तुम पुअर विलेजमैन जो है वो अपने हक के लिए नहीं लड़ते हो। ही मोटिवेट्स देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स। लेकिन इनके जो इतने एनर्जेटिक मोटिवेशंस थे कि भाई तुमको अपने फाइट के लिए लड़ना चाहिए, वो डेफ ईयर्स में फॉल करते हैं। मतलब कि रुक्मणी और नाथन को लगता है कि भाई ये आदमी पागल हो गया है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर केनी जो है ही हैज लॉस्ट हिज सेनिटी। सेनिटी इज बैलेंस ऑफ माइंड एंड पीसफुलनेस ऑफ माइंड। द फैमिली ग्राउंड दैट अंडर द फ्लडेड वाटर, नो द फैमिली फाउंड, इट इज नॉट देयर, जी की जगह वहां पे एफ होगा। द फैमिली फाउंड दैट अंडर द फ्लडेड वाटर मेनी फिशेज हैड एक्यूमुलेटेड। तो फ्लड की वजह से वो लोग देखते हैं कि बहते बहते कई सारी मछलियां जो हैं वो फ्लडेड वाटर के नीचे है। एंड वे आर हैप्पी फॉर नाउ, फिशेज वुड सफाइस एज फूड फॉर द टाइम बीइंग। कि भाई अब कुछ दिनों के लिए तो ये जो फिशेज हैं वो फूड का काम करेंगी और उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। विद देयर पैडी फील्ड सबमर्ज, द नाथन फैमिली हैड नो चॉइस बट टू सब्सिस्ट ऑन सॉल्टेड फिश रूट्स एंड लीव्स। तो अब क्योंकि पैडी का तो फील्ड सारा सबमर्ज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है फ्लड की वजह से, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फैमिली को सॉल्टेड फिश पे, रूट्स और लीव्स पे ही जीना पड़ रहा था। और वो लोग टायरलेसली वर्क करते हैं पूरी फैमिली, ठीक है, और फ्लडेड फील्ड्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, नेट से फिश मछलियां पकड़ते हैं और सोचते हैं, होपफुल रहते हैं। एट द एंड जो है ये जो यूनिट है वो होपफुलनेस पे एंड करता है। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डे द चिल्ड्रन फैटिग बट होपफुल फॉर अ ब्राइटर टुमारो। रुक्मणी भी होपफुल है, बच्चे भी होपफुल है कि भाई आज रात का तो अच्छा खाना हम लोगों को मिल गया, फिशेस वगैरह ये लोग खाते हैं, सो जाते हैं इन टू अ डीप स्लम्बर, स्लम्बर इज स्लीप। तो अब हम लोग क्विक रिविजन करते हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चन अगर बनाए जाए इस यूनिट से, इस नॉवल के द फ्लड यूनिट से, तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो ये जो फ्लड है ये किस नॉवेल से लिया गया है, नेक्टर इन अ सीव। नेक्टर इन अ सीव किसका वर्क है, कमला मार्कंडेय। कब पब्लिश हुआ, 1954 में। नेक्टर इन अ सीव किस राइटर के पोयम से लिया गया है, कोलरिज के पोयम से लिया गया है। ठीक है, किस महीने को ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है रूरल इंडिया में, जून महीने को वेडिंग्स के लिए शुभ समझा जाता है, ऑस्पिशियस समझा जाता है। इनकी बेटी का नाम क्या था, ईरावती या ईरा। ठीक है, उसके बाद कौन बोलता है कि नेचर एक वाइल्ड बीस्ट की तरह है, रुक्मणी बोलती है। क्या पाम ट्रीज बेयर हो गए थे, ये याद रखिएगा कि भाई क्या क्या चीज डिस्ट्रॉय हो गए थे, पैडी के क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, पाम ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए थे, पर टैनरी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ठीक है, टैनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ये लोग मनी लेंडर बिस्वास के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए और रिलेंटलेस कंटिन्यूस रेन जो है वो 8 कॉन्सिक्यूटिव नाइट्स तक रहता है। उसके बाद वाटर की वजह से डेड एनिमल्स का बॉडीज, डेड अपरूटेड ट्रीज और जो झोपड़ियां हैं सब जो है वो जाके एक्यूमुलेट कर जाते हैं और विलेज का नजारा एक वेस्टलैंड की तरह हो जाता है। दो शॉपकीपर से मदद मांगने जाते हैं, पहले हनुमान से मांगने जाते हैं जो कहता है कि भाई उसके पास तो केवल उसी की फैमिली के लिए है, और फिर विश्वास के पास मांगने जाता है जो हाई प्राइस तो ऑफर करता है बट उसके पास से थोड़े से प्राइस ये लोग लेकर आते हैं। कौन से डॉक्टर की वजह से रुक्मणी को आगे जाकर 6 और बेटे होते हैं, डॉक्टर केनी की वजह से। कौन उनको मोटिवेट करता है फाइट करने के लिए अपने हक के लिए, डॉक्टर केनी मोटिवेट करते हैं। और इन लोगों को क्या लगता है डॉक्टर केनी के इन सारे एनर्जेटिक मोटिवेशन को देखकर कि डॉक्टर केनी जो है वो पागल हो चुके हैं, और फ्लडेड वाटर के नीचे इनको क्या मिलता है, फिशेज मिलते हैं। और एट द एंड किस फीलिंग के साथ ये जो यूनिट है वो एंड करता है, द फीलिंग इज होपफुलनेस, आशावादी, आशा। ओके, होप यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।